जय हिंद दोस्तों। फेसबुक पे आजकल एक पोस्ट बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। इसी के सच्चाई के बारे में आज आपसे बात करेंगे। भेड़ चाल एक ऐसी चाल होती है जिसमें लोग एक दूसरे के पीछे चलते रहते हैं, और यह चाल भारत में काफ़ी प्रसिद्ध भी है, जिसमें लोग एक दूसरे के पीछे चलते रहते हैं। एक भेड़ जिस दिशा में चल देता है, सारे भेड़ उसी दिशा में चल देते हैं। वैसे ही आजकल फेसबुक पे एक चाल चल रहे हैं लोग, ये जिसका नाम है भेड़ चाल यानी भेड़िया चाल, जिसमें लोगों का कहना है कि फेसबुक का नया नियम आ रहा है, जिसमें कि फेसबुक हम लोगों के डेटा का उपयोग करेगा, जैसे कि फोटो, वीडियो, नाम, मोबाइल नंबर वगैरह का इस्तेमाल अपने निजी बिजनेस के लिए करेगा। बहुत सारे लोग फेसबुक को कड़ा संदेश भी दे रहे हैं, मैं फेसबुक को चेतावनी देता हूँ कि मेरे डेटा वगैरह का इस्तेमाल कहीं ना करें। तो क्या है वो पोस्ट जो आजकल वायरल हो रहा है, आइए थोड़ी सी नज़र डाल रहे हैं। कल से फेसबुक का नया नाम यानी मेटा शुरू हो रहा है, जिसमें कि फेसबुक हमारी व और आपकी जानकारियों को अपने बिजनेस के तौर पे इस्तेमाल कर सकता है। ये मत भूलो कि आज अंतिम दिन है, तो मैं फेसबुक या इससे जुड़ी किसी भी इसके इकाई को अपने अतीत या अपने फ्यूचर के किसी भी पोस्ट या प्रकाशन को किसी भी तीसरे पक्ष के साथ साझा करने का अनुमति नहीं देता हूँ। यह सब हमारी जो कुछ भी डेटा फेसबुक पे है या हमारी निजी है, और हमारी निजता का उल्लंघन नहीं करे, वरना आपके खिलाफ़ कानूनन कार्रवाई की जा सकती है। ऐसा लिखकर लोग भेज रहे हैं दूसरे के पास, अपने पोस्ट कर रहे हैं, दूसरों को भी सलाह दे रहे हैं कि यदि आप भी ऐसा पोस्ट करें, वरना मन ही मन गोपनीय तरीक़ा से आपके द्वारा यह सहमति मानी जाएगी, ऐसा लोग बता रहे हैं। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि यह फेसबुक तो प्रधानमंत्री मोदी जी भी चलाते हैं, इसरो के बहुत सारे वैज्ञानिक है वो लोग भी चलाते हैं, रोहित शर्मा भी चलाते हैं, विराट कोहली भी चलाते हैं, खेसारी लाल भी चलाते हैं, पवन सिंह भी चलाते हैं। क्या आप लोगों ने उन लोगों के द्वारा ऐसा कोई पोस्ट देखा? मतलब कि यह बात हम लोगों को तो जानकारी है, लेकिन उन लोगों को जानकारी नहीं है। किसी भी सेलिब्रिटी के द्वारा ऐसा कुछ देखा क्या आप लोगों ने कि ऐसा पोस्ट उन लोगों ने भी किया? मतलब कि यह सब चीज़ उन लोगों को जानकारी नहीं है। तो मैं तो गुजारिश करूँगा उन अपने सभी दोस्त मित्र यारों से जो कि ऐसा पोस्ट कर रहे हैं, कि ऐसा पोस्ट प्लीज़ भाई उन लोगों तक भी पहुंचा दो, ताकि वो लोग भी अपने डेटा को सुरक्षित करने के लिए ऐसा एक पोस्ट वो लोग भी कर दें। अब आइए क्या है इसकी सच्चाई, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। जहाँ तक मैं पता किया हूँ, फेसबुक के द्वारा ऐसा कुछ भी नियम नहीं जारी किया गया है कि जिसमें कि ऐसा बताया गया हो कि अब हम आपकी मतलब निजता को, आपके जो भी कुछ भी डाटा है उसका उपयोग किसी तीसरे पक्ष के साथ शेयर करेंगे। आप जो कुछ भी हम लोग डालते हैं तो वह तो फेसबुक पे इकट्ठा होता ही है। फेसबुक को अगर कहीं इसका इस्तेमाल करना ही होगा, तो इसके लिए मुझे नहीं लगता कि हमारी और आपकी सहमति का वह इंतज़ार करेगा, हमारी आपकी सहमति लेकर वह कहीं इसको यूज करेगा। और यदि फेसबुक की जो नियम हैं, जैसे ही हम लोग अपना अकाउंट बनाए हैं तो उसके नियम और पॉलिसी को पालन किए हैं, उसको सहमति दिए हैं, जब भी हमारा अकाउंट बना है तो फिर से हमें अलग से उसको हमसे उसको सहमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि उसको ऐसा करना ही होगा, ज़्यादा सुरक्षित रखना चाहता है, हम लोगों ने अपने वीडियो को, पोस्ट को या जो कुछ भी डालते हैं उसको खुद ही प्रकाशित करते हैं दूसरे लोगों तक, और फेसबुक को क्या कह रहे हैं कि हमारी सारी मतलब प्रकाशन या निजता है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करे। वाह भाई वाह, 1-1.5 साल पहले भी ऐसे ही कुछ पोस्ट चला था, 1 साल पहले मतलब हाँ 2022 के इर्द गिर्द में, जब भी बहुत सारे लोग ऐसा पोस्ट किए थे। क्या हुआ उससे, जो नहीं किए उसका क्या हो गया? तो जहाँ तक सच्चाई इसकी है कि ऐसा फेसबुक के द्वारा कुछ भी कोई नियम नहीं जारी किया गया है, सारा बकवास है, सारा बेबुनियाद है। तो आप लोग सावधान रहें, निधड़क रहें, और कुछ कहीं भी किसी भी जगह ऐसा पोस्ट करने से पहले एक बार जाँच भी तो लीजिए। मेरे भी कल एक जानकार के पोस्ट किए थे, मैं बोला श्रीमान जी कहाँ से खबर मिली आपको, तो हमें क्या सलाह दे रहे हैं कि बाबू जल्दी से आप भी इसको मतलब अपने फेसबुक से पोस्ट कर दो, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। मैं चुप सुन के चुपचाप रह गया, मैं तो कोई ऐसा पोस्ट नहीं किया। हाँ एक पोस्ट किया था, मैं फेसबुक को फुली
खुली आज़ादी देता हूँ कि जो कुछ भी चाहे मेरे फोटो वीडियो, मतलब अगर मेरे जो कुछ भी डाटा जहाँ मर्जी जहाँ यूज करें हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फेसबुक के द्वारा ऐसा कोई भी एक मेरे लिए अलग से थोड़ी कोई फेसबुक नियम बना देगा, जो होगा वो सबके लिए होगा। तो इसलिए आप लोग निधड़क रहें, निश्चिंत रहें, ऐसे कोई खबर फेसबुक के द्वारा कहीं से कुछ नहीं किया गया है, यह सब बकवास खबर है, निराधार है, कोई इसका आधार नहीं है। धन्यवाद।